फिलोसफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवनिर्मित जिलों में अनूपगढ़ जिला दर्शन की दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अनूपगढ़ जिला दर्शन की। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम सबसे पहले जिला दर्शन की शुरुआत करते हैं आज के लिए अनूपगढ़ के साथ। अनूपगढ़ जिला, तो अनूपगढ़ जिले की बात करें दोस्तों तो इसे जिला कब घोषित किया गया था और अगर बात कर लेते हैं इसमें भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, तो ये अनूपगढ़ जिले का क्या है दोस्तों मैप, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि भाई ये अनूपगढ़ जिला किन किन जिलों को लेकर बना था, किन किन जिलों से अलग होकर बना है दोस्तों। तो सबसे पहले गंगानगर जिला है जिसमें से ये पांच तहसीलें ली गई थी, जिसमें एक रायसिंह नगर है दोस्तों, एक विजयनगर है, एक अनूपगढ़ है, एक गरसाना है, दूसरी एक सॉरी रावला है। और बीकानेर की दो तहसीलें ली गई है, छत्तरगढ़ तहसील और खजुवाला तहसील। तो इन सात तहसीलों को लेकर दोस्तों एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम क्या था, अनूपगढ़। क्या नाम है दोस्तों, अनूपगढ़। ये आपको याद रखना है कौन सा जिला, अनूपगढ़ जिला। अब अनूपगढ़ जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी के बारे में जान लेते हैं कि अनूपगढ़ जिला जो राजस्थान का जिला बनाया गया, ठीक है, और इस जिले को किस के समय बनाया गया, भी उस समय राजस्थान के प्रधान सॉरी मुख्यमंत्री थे कौन दोस्तों। तो याद रखना है आपको इस समय जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में 19 जिले व 3 संभाग बनाने की क्या कर दी थी दोस्तों, घोषणा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है भी अशोक गहलोत जी के द्वारा अनूपगढ़ जिला घोषित कब किया गया था, तो 17 मार्च 2023 को क्या किया गया था दोस्तों, जिला घोषित किया गया था। जबकि पूछे इनके साथ कितने जिले घोषित किए गए थे, 19 जिले, और कितने संभाग दोस्तों, 3 संभाग घोषित किए गए थे। और इसे मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है, 4 अगस्त 2023 को क्या दी गई थी दोस्तों, मंजूरी दी गई थी अनूपगढ़ जिले को, जिले को मंजूरी दे दी गई। लेकिन अधिसूचना अधिसूचना के तहत 7 अगस्त 2023 को ये क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनूपगढ़ जिला घोषित कब किया गया, तो 4 अगस्त 2023 घोषित कब किया गया दोस्तों, तो घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। और मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई, 4 अगस्त 2023 को, और लागू कब किया गया, 7 अगस्त 2023 को दोस्तों। ये क्या हो गया, संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और इसके बारे में जानते हैं कि किन किन जिलों को लेकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया, भी किन किन जिलों से को अलग करके, जैसे एक गंगानगर जिला है और दूसरा कौन सा है दोस्तों, बीकानेर जिला। तो बीकानेर और गंगानगर जिले से अलग कर किसे बनाया गया है, अनूपगढ़ जिले को बनाया गया, जिसमें अनूपगढ़ का निर्माण में 7 तहसीलें मिलाई गई है दोस्तों। कितनी तहसीलें, 7 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया, जिसमें गंगानगर की बात कर लेते हैं तो कितनी तहसीलें ली गई है दोस्तों, 5 तहसीलें। कितनी ली गई है, 5, जिसमें एक तो कौन सी है, अनूपगढ़, गरसाना, रावला, विजयनगर, रायसिंह नगर। तो याद रखना गंगानगर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई, अनूपगढ़, गरसाना, रावला, श्री विजयनगर, रायसिंह नगर, 5 तहसीलें। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की दोस्तों, तो बीकानेर से कितनी तहसीलें ली गई है, 2 तहसीलें ली गई है दोस्तों। कितनी तहसीलें ली गई है, 2, एक का नाम छत्तरगढ़ तहसील है और दूसरी कौन सी है दोस्तों, खाजूवाला तहसील है। दूसरी कौन सी है, खाजूवाला तहसील है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो उपखंड बनाए गए हैं वो 6 बनाए गए हैं, कौन सा बनाए गए, 6 बनाए गए है। कौन कौन से, तो याद रखना, एक तो अनूपगढ़ है दोस्तों, एक गरसाना है,
और एक विजयनगर है, रायसिंह नगर है, छत्तरगढ़ है, खाजूवाला। क्योंकि रावला को किस में मिला दिया गया है, किस उपखंड के अंदर मिला दिया गया है, घरसाना के अंदर दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अनूपगढ़ जिला है मुख्यालय पर जो सीमा सुरक्षा बल की कौन सी वाहिनी स्थित है, तो 23वीं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की, किसकी दोस्तों, BSF की, कितनी वाहिनी स्थापित की गई है, 23वीं वाहिनी। तो ऐसी ऐतिहासिक तौर पर देखें ना हम, तो इस पर इसी जिले के अंदर है लैला मजनू की इकलौती मजार है दोस्तों, इकलौती मजार है जो सीमावर्ती गांव बिजोर में है, बिंजोर, किस गांव में है, बिंजोर गांव में। और ये बिंजोर गांव पूछ सकता है, बिंजोर गांव का संबंध किस जिले से है, अनूपगढ़ से है। और ये बिंजोर गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो लैला मजनू की मजार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके प्रशासनिक ढांचे की बात, अनूपगढ़ जिले के प्रशासनिक ढांचे की अगर बात कर लेते हैं, तो इस जिले का नाम क्या है दोस्तों, अनूपगढ़ किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में। कितनी तहसीलें हैं, तो इसमें दोस्तों 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं, 7, क्योंकि माना जा रहा है कि छत्तरगढ़ तहसील और खाजूवाला जो तहसील है उन्हें पुनः बीकानेर में मिला दिया गया है, कई कयास लगाए जा रहे हैं इस प्रकार से, तभी ये माना गया है कि इसमें 5 तहसीलें हैं। तो इसमें 7 तहसीलें हैं दोस्तों, ठीक है। और उपखंड कितने हैं इसमें, 6 उपखंड, 6। और ये माना जा रहा है कि भी ये जो रावला और घरसाना है दोस्तों, ठीक है, ये पुनः मिला दिए जाए तो 4 उपखंड बचते हैं, ठीक है। एक छत्तरगढ़ और एक खाजूवाला को मिला दिया जाए तो ये कितने रह जाएंगे बाद में, 4 रह जाएंगे, और वैसे 6, और इसमें कितने हैं, 7। तो ये आपको याद रखना है। इसकी प्रथम कलेक्टर की बात कर लेते हैं, भी अनूपगढ़ जिले के अंदर प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया था, भी अनूपगढ़ जिले का पहला कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है कल्पना अग्रवाल को दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है, कल्पना अग्रवाल को। और यहां पर प्रथम SP कार्यरत है तो वो है राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, कौन सा है, राजेंद्र प्रसाद। और इसका उपनाम की बात कर लेते हैं, तो उपनाम है दोस्तों इसका चुंगेर, क्या नाम है, चुंगेर नाम है इसका, क्या नाम है दोस्तों, चुंगेर। अब याद रखना इसकी जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, तो शेर जैसी है, कैसी है, शेर के जैसी आकृति, इसकी जो आकृति है वो दोस्तों कैसी है, शेर के जैसी है। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो किसे माना जाता है दोस्तों, तो अनूप सिंह को माना जाता है, जो कि इसकी स्थापना की थी 1678 से 1679 के मध्य की मानी जाती है दोस्तों। और इसकी जो सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूं, तो वो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। जबकि अगर बात कर लेते हैं इसकी सीमा किन जिलों के साथ लगती है, तो गंगानगर के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है दोस्तों, बीकानेर के साथ लगती है। और इसमें जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अनूपगढ़ जो जिला है वो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो वो कौन से में आता है, पश्चिमी नहरी मैदान, पश्चिमी नहरी मैदान, जो बी फास्ट या फास्ट बी के अंतर्गत आता है दोस्तों, फास्ट बी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों, मरुद्भिद वनस्पति। और मरुद्भिद वनस्पति की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है दोस्तों, इन्हें जीरोफाइट में कहा जाता है। और इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, लंबी। जैसे बात कर लेते हैं खेजड़ी की और बेरी होती है दोस्तों, बेरी, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, और ये इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, लंबी जड़ी होती है। और नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है इसमें से, तो यहां से एक नेशनल हाईवे गुजरता है जिसका नाम है NH 911। कौन सा NH गुजरता है दोस्तों, NH 911 गुजरता है। तो इसकी जो प्रमुख नदी की बात कर लेते हैं, तो नदी कौन सी दोस्तों, गगर नदी है। कौन सी नदी है, गगर नदी। गगर नदी पहले दो जिलों से गुजरती थी जिसका नाम था, एक का नाम क्या था दोस्तों, गंगानगर था, और दूसरे की बात कर लेते हैं तो दूसरा जिला कौन सा था, हनुमानगढ़ दोस्तों। कौन सा था, हनुमानगढ़। और वर्तमान में कौन सा जिला जोड़ दिया गया है, तो अनूपगढ़ जिला। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस जिले में कितनी तहसीलें हैं दोस्तों, तो 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं, 7। 7 तहसीलें कौन कौन सी दोस्तों, तो अनूपगढ़,
रावला, विजयनगर, रायसिंह नगर, और छठी तहसील की अगर बात कर लेते हैं तो वो छठी तहसील कौन सी है दोस्तों? खजू वाला। कौन सी तहसील है? खजू वाला। और सातवीं तहसील कौन सी है दोस्तों? छत्तरगढ़। कौन सी है? छत्तरगढ़ तहसील, छत्तरगढ़ तहसील। और जिला उपखंड की बात कर लेते हैं, चार उपखंड है जिसमें एक अनूपगढ़ है, गरसाना है, रायसिंह नगर है और है विजयनगर है। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? एक खजू वाला है, खजू वाला। और एक कौन सा है दोस्तों? छत्तरगढ़, छत्तरगढ़ तहसील। इसके बाद में बात कर लेते हैं अनूपगढ़ के इतिहास की बात। अनूपगढ़ शहर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों? चुंगेर था। प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर। और अनूपगढ़ को कहा जाता है चुंगेर के नाम से भी जाना जाता है। और माना यह जाता है कि इस पर पहले बाटियों का क्या था दोस्तों? कब्जा था। बाटी शासकों का क्या था? कब्जा था। और 1778 के अंदर क्या हुआ? बीकानेर के एक रियासत के महाराजा थे जिनका नाम था अनूप सिंह बाटी, सॉरी अनूप सिंह, ठीक है, कौन से थे? अनूप सिंह, जिन्होंने बाटियों के प्रमुखों को हटा दिया था, यहां से हटाकर अनूपगढ़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, चुंगेर पर अधिकार कर लिया। और इसी के उपलक्ष में इसका नाम पड़ा है दोस्तों, वो क्या नाम पड़ा है? अनूपगढ़ नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? अनूपगढ़। और माना यह भी जाता है कि इसके बाद में अनूप सिंह ने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम था अनूपगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? अनूपगढ़ दुर्ग। और यह भी माना जाता है कि 1947 में क्या हुआ था? भारत विभाजन। तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था, रियासतें समाप्त कर दी गई थी। तो ये एक राज परिवार के होने के कारण इसे अनूपगढ़ तहसील बनाकर गंगानगर जिले में क्या कर दिया गया था दोस्तों? मिला दिया गया था। गंगानगर की एक तहसील बना दी गई थी जिसका नाम था अनूपगढ़ तहसील दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें दार्शनिक स्थानों की, भी देखने योग्य स्थान कौन कौन से है दोस्तों। तो एक तो बुड्ढा जोड़ है, बुड्ढा जोड़ है कहां पर दोस्तों? टोडावला गांव के अंदर, जो रायसिंहनगर तहसील में अवस्थित है। और ये बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था दोस्तों। इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था 1953-54 में करवाया था दोस्तों। और इसे ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे को कहा जाता है। और यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है। और मेला लगता कब है दोस्तों? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे में मेला लगता है प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को लगता है। प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या के दिन यहां पर क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है, ठीक है, बुड्ढा जोड़ मेला। और अनूपगढ़, इसी के अंदर एक अनूपगढ़ दुर्ग भी है जो मैंने आपको बताया भी था भी। ये मिट्टी से निर्मित तो दुर्ग है और इसका निर्माण अनूप सिंह ने 1678 से 1979 के अंदर करवाया, सॉरी दोस्तों 1679 के अंदर करवाया अनूप सिंह ने। और यहां पर एक मेले का आयोजन और होता है, टड्डा पम्पाराम, पम्पाराम टड्डा पम्पाराम मेला। इस मेले का आयोजन विजयनगर में होता है दोस्तों। किस तहसील में होता है? विजयनगर तहसील में होता है। ये लगता है 6 से 12 फरवरी तक लगता है। कब लगता है दोस्तों? 6 से 12 फरवरी के मध्य लगता है। और अब बात कर लेते हैं रायसिंहनगर में एक स्मारक बना हुआ है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, क्योंकि ये उस समय की बात है जब भारत आजाद हुआ था। तो यहाँ पर एक स्मारक है जिसका नाम है बिरबल सिंह स्मारक। बिरबल सिंह का स्मारक है जो रायसिंहनगर में अवस्थित है। और माना जाता है कि बिरबल सिंह के नेतृत्व में 1 जुलाई 1946 में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कौन सी यात्रा निकाली गई थी? तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें बिरबल सिंह को क्या लगी थी? गोली लगी थी। और गोली लगते ही वो क्या हो गए थे दोस्तों? शहीद हो गए थे, क्योंकि माना जाता है कि इनका इतना ज्यादा खून बह गया था कि वो शहीद हो गए थे गोली लगने के बाद में, ठीक है। और इसकी याद में 17 जुलाई 1946 को राजस्थान में बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान ये शहीद हो गए थे, इनके उपलक्ष में मनाया जाता है। और इसमें एक सभ्यता भी अवस्थित है, बरोड़ा, बरोड़ सभ्यता। और ये बरोड़ सभ्यता है जो NH 911 पर बरोड़ गांव में स्थित है। किस गांव में है? बरोड़ गांव में। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी पता चलता है
कि इस सभ्यता का जो संबंध रहा है वो किस सभ्यता से रहा है, तो आर्य सभ्यता से रहा है दोस्तों। किस सभ्यता से रहा है? अरे सभ्यता से रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनूपगढ़ जिले में जो ब्रोर सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है, तो आर्यकालीन सभ्यता से है दोस्तों। किस सभ्यता से है? आर्यकालीन सभ्यता से है। जहां पर 2006 में मिट्टी के बर्तन मिले थे और 8000 मन के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहां से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए और क्या हुए हैं? मन के भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। और ये खाजुअल है, इसके अंदर क्या है दोस्तों? बीएसएफ द्वारा पहली बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्थापित की गई थी दोस्तों, ठीक है। और यहां पर तेल के जो कुकुएं भी है, जो गंगानगर बीकानेर तेल और गरसाना के अंदर, ठीक है, बीकानेर तेल बेसिन गरसाना के अंदर। तो ये भी क्या है दोस्तों कि तेल के कुएं भी, तेल के सॉरी भंडार यहां से प्राप्त हुए हैं, तेल के भंडार सॉरी। तो इसके बाद में कर लेते हैं तेल के भंडार, ये किसके अंतर्गत आता है? तो तेल भंडार आता है बीकानेर नागौर तेल बेसिन के अंतर्गत। और गरसाना में किसान आंदोलन भी हुआ था 2004 और 5 के अंदर दोस्तों। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हेतराम बेनीवाल जी के नेतृत्व में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ? हेतराम जी बेनीवाल के नेतृत्व में। और इस किसान आंदोलन की जो जांच आयोग गठन की, जांच आयोग की गठन किया गया था, उसमें ये किस जांच आयोग की गठन की गई थी? तो आर एस केजरीवाल जांच आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गरसाना किसान आंदोलन के दौरान या फिर उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो आर एस केजरीवाल जांच का गठन किया गया था। और अनूपगढ़ जिले में जलापूर्ति करने वाली जो नहरें हैं, एक का नाम दोस्तों गंगा नहर है और दूसरी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, जो विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना भी मानी जाती है और भारत की तो है भी, भारत और राजस्थान की तो सबसे लंबी नहर परियोजना यही है। हो सकता है आने वाले टाइम में भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना हो जाए राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। कौन सी दोस्तों? पूर्वी राजस्थान है नहर परियोजना। अनूपगढ़ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा बनाया गया दोस्तों? तो अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्या है दोस्तों? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रेडक्लिफ रेखा लगती है उस पर नजदीक सबसे जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है अनूपगढ़ दोस्तों। कौन सा है? अनूपगढ़। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिले, जिला दर्शन में आकृति की। और अनूपगढ़ जिले की आकृति किसके समान है दोस्तों? तो ये आपको पता है शेर के समान है दोस्तों। और इसमें गरसाना किसान आंदोलन कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया है 2004-5 में। और यहाँ पर बेकसूर किसानों को क्या गोली लगने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में अन्य जिले की, जिला दर्शन की बात करेंगे दोस्तों। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा